जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए क्यों है खास भारत की प्रलय मिसाइल। जीआरएसी ने शुरू किया इंडियन नेवी के लिए 5वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण कार्य। रफाल डील में ऑफसेट क्लॉज समय पर पूरा न करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एमबीडीए पर लगाया जुर्माना। इंडियन आर्मी की चेतावनी के बाद एलओसी पर पाकिस्तान ने बंद किया अवैध निर्माण कार्य। और अर्जेंटीना में पाकिस्तानी एम्बेसी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट की गई पाकिस्तान सरकार की सच्चाई। तो चलिए आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं एक प्रलयकारी खबर के साथ, और वो ये है कि आज डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर विकसित की गई शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय। तो आज इस मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला विकास उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया था, और इस दौरान मिसाइल को ओडिशा कोस्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया था। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान मिसाइल के सभी सबसिस्टम्स ने बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म किया है, और ये मिसाइल टेस्ट के दौरान सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरीके से हासिल करने में कामयाब रही है। और इस मिसाइल के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ईस्ट कोस्ट पर सभी तरह के सेंसर्स को डिप्लॉय किया गया था। आपको बता दें कि जो ये प्रलय मिसाइल है, इसको पावर देने के लिए इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के साथ कई सारी नई टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की गई हैं, जिसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम और बेहद एडवांस एवियोनिक्स भी शामिल हैं। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर तक है, और इसे मोबाइल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। और ये एक न्यू जनरेशन की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि निश्चित रूप से इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में मदद करेगी। और आपको ये भी बता दें कि जो प्रलय मिसाइल है, ये क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिन्हें सेमी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहा जाता है, तो ये प्रलय भी इस कैटेगरी में आती है। और इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स की खास बात ये होती है कि ये लोअर ट्रैजेक्टरी में भी एक हाई स्पीड को मेंटेन कर सकती हैं, जिस वजह से दुश्मन टारगेट को रिएक्ट करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। और इस तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसिस, उनके मेन लॉजिस्टिक नोड्स और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण टारगेट के खिलाफ किया जा सकता है। और आज के इस टेस्ट में इस प्रलय मिसाइल ने अपनी डिजायर्ड क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फॉलो किया है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टैक्टिकल बैटलफील्ड डायनेमिक्स के मामले में ये प्रलय मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और जबकि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में प्रलय अभी तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। और बाकी अगर हम आसान शब्दों में कहें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि टैक्टिकल बैटलफील्ड के मामले में अगर हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल के ऑप्शन की, तो उसके लिए हमारे पास है ब्रह्मोस मिसाइल, और अगर बात आएगी बैलिस्टिक मिसाइल वाले ऑप्शन की, तो फिर उसके लिए हमारे पास है ये प्रलय मिसाइल। और हाँ, जैसा कि इसका नाम है, ये अपने नाम के अनुरूप ही दुश्मन के क्षेत्र में प्रलय मचाने की कैपेबिलिटी रखती है। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से रफाल एयरक्राफ्ट डील के तहत जो ऑफसेट कमिटमेंट्स की गई थी, तो उनको समय पर पूरा न करने के लिए यूरोपियन मिसाइल मेकर एमबीडीए पर करीब 10 लाख यूरो से कम का जुर्माना लगाया गया है। सोर्सेज के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच जो 36 रफाल फाइटर्स की डील साइन हुई थी, और जिसमें एक ऑफसेट क्लॉज भी था, जिसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू का 50% हिस्सा हर साल सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में भारत में फिर से इन्वेस्ट किया जाना था, लेकिन इस ऑफसेट वाले दायित्व को एमबीडीए द्वारा समय पर पूरा न कर पाने के कारण रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। जबकि पीटीआई सोर्सेज के मुताबिक एमबीडीए ने अपने इस जुर्माने को जमा भी कर दिया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने रक्षा मंत्रालय के समक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराया है। और फिलहाल अभी इस मामले पर एमबीडीए की तरफ से ऑफिशियल कमेंट का इंतजार है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जीआरएसी की तरफ से इंडियन नेवी के लिए 5वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक इन शिप्स का जो डिजाइन है, उसे जीआरएसी ने ही इन हाउस कंप्लीट किया है। और इस तरह के टोटल 8 वॉरशिप्स जीआरएसी इंडियन नेवी को डिलीवर करेगी, जो कि मुख्य रूप से कोस्टल वाटर्स में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, लो इंटेंसिटी के मैरिटाइम ऑपरेशंस और माइन लेइंग जैसे ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाएगी। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ आतंकियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, और इस फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मोहम्मद अशरफ बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। हालांकि फिर उन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक हमें आपको बेहद ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मोहम्मद अशरफ को बचाया नहीं जा सका, और हमारा ये वीर इस देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर की आत्मा को शांति मिले, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जबकि आज श्रीनगर में भी कुछ इंसानी रूपी सुअरों द्वारा सिविलियंस पर भी हमला किया गया था, और इस हमले में एक रूफ अहमद नाम के सिविलियन की जान भी गई है, और बाकी इस वाले मामले की जांच भी जारी है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि कल मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिनका कनेक्शन जैश नाम के सुअरों के एक संगठन के साथ पाया गया है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए इन 4 लोगों के पास से आर्म्स एंड एमुनिशंस भी रिकवर हुए हैं।
और शुरुआती पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए उस आतंकी एसोसिएट ने इस बात का खुलासा किया है कि वो जैश के कमांडर्स के साथ टच में थे और उनके लिए आर्म्स एंड एमुनिशंस को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व थे। और बाकी फिलहाल अभी इस मामले की जांच जारी है। और बाकी आतंकियों से याद आया, हमारा जो एक निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, अब उसने अपने कर्ता धर्ता चीन से इंस्पायर होकर उन्हें की तरह सीमा पर एक हरकत करने की कोशिश करी थी। असल में हुआ यह कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी रेंजर्स को LOC के पास कुछ निर्माण गतिविधियां करते हुए देखा गया था और पाकिस्तानी रेंजर्स का निर्माण कार्य कुपवाड़ा में LOC के पास तीतवाल सेक्टर के पास हो रहा था। और जबकि ऑफिशियल्स के मुताबिक LOC के पास भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी पक्ष बिना पूर्व सूचना के वहां पे निर्माण गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तानी रेंजर्स की इस निर्माण गतिविधि को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को चेतावनी दी गई कि वे इस निर्माण कार्य को रोक दें, वरना फिर हमें दूसरे तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अब इस पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि LOC के पास पाकिस्तान जो ये अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहा था तो उसने इसे रोक दिया है। इसके साथ आपको एक अपडेट और दे देते हैं कि अर्जेंटीना में पाकिस्तानी एम्बेसी का एक ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया गया था कि पाकिस्तान अर्जेंटीना के लिए JF-17 फाइटर्स को बेचने वाली डील हार सकता है, और इसके लिए इस पोस्ट में इमरान खान गवर्नमेंट को ब्लेम किया गया था। और ये तो आपको ध्यान ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही सर्बिया में भी स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के एक और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, जिसमें इमरान खान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो किया ही गया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि उन्हें कम से कम 3 महीने की सैलरी तक नहीं मिली है। हालांकि उसके बाद फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो ये कहना था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। और अब जो अर्जेंटीना में पाकिस्तानी एम्बेसी के इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट की गई है, तो आपको बता दें कि वो पोस्ट हट चुकी है और अब उसके बदले सेम वही पोस्ट किया गया है जैसे कि सर्बिया वाले मामले पर किया गया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जो कि अब रिकवर हो गया है। वो तो शुक्र है कि अभी ये नहीं कह रहे कि उनके अकाउंट को हैक करने के पीछे रा का हाथ है। और वैसे भी 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंक फाइटर 17 जैसे फाइटर को अर्जेंटीना कहां अफोर्ड कर पाएगा, वो तो केवल पाकिस्तान जैसे देश की ही बस की बात है। कुदनकुलम के 6th न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की सभी 6 यूनिट्स को रशियन टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के साथ बनाया गया है। इन 6 में से 2 यूनिट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं और जबकि बाकी के 4 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर आयोजित मल्टी डोमेन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड ने रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए एयरबॉर्न एक्सरसाइजेस को भी कंडक्ट किया है। और ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस एयरबॉर्न एक्सरसाइज की कुछ वीडियो क्लिप्स भी जारी की गई थी। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है कि आपने वीडियो को लाइक करना है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप नहीं करेंगे फिर हमें भी लगेगा कि कहीं ये राखी साजिश तो नहीं है। बुधवार को पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय को BRO के अलावा किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को भी भारत के तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शामिल करना चाहिए। और जबकि इस कमेटी ने पहले भी सिफारिश की थी कि आर्म्ड फोर्सेस और BRO के परामर्श से रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्तमान खतरे के आकलन और हमारी फोर्सेस के ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्रों में भी BRO की आवश्यकता पर एक व्यापक अध्ययन किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पुणे में असीम फाउंडेशन द्वारा विकसित किए गए नेशनल इंटीग्रेशन पार्क का उद्घाटन इंडियन आर्मी चीफ द्वारा किया गया है। और बाकी इसी के साथ अब समय हो गया है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 2015 में एक विमान दुर्घटना के दौरान हमने BSF और SSB के अपने 10 वीर जवानों को खोया था, जिसमें विमान के पायलट भगवती प्रसाद भट्ट, पायलट सेकंड इन कमांड राजेश शिवरानी, इंस्पेक्टर राघवेंद्र यादव, इंस्पेक्टर सत्यनारायण शर्मा, डेप्यूटी कमांडेंट डी कुमार, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह लिंगवाल, सब इंस्पेक्टर छोटेलाल शर्मा, सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवेंद्र पाल चौहान और कांस्टेबल किशोर राजन रावत शामिल हैं। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।